इस हाथ में देखिए शनि का पर्वत बहुत ज्यादा उठा हुआ है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि शनि का पर्वत ज्यादा उठा होना अच्छा नहीं मानते। इस हाथ में बृहस्पति का जो पर्वत है वो डाउन है इस ओर बाहर की ओर। इसमें बहुत सारा एक ऑप्शन बहुत अच्छा बना हुआ कि एक रेक्टेंगल का भी शेप, तो रेक्टेंगल का शेप बृहस्पति के पर्वत में समृद्धिदायक होता है। लेकिन बृहस्पति का पर्वत अगर दबा हुआ है या शनि से ज्यादा नीचे है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही से नहीं करना आता। कहने का अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है लगातार सिर्फ और सिर्फ मेहनत करता जाता है, मेहनत का रिजल्ट इसको सही से नहीं मिलता। ऐसे लोगों को कड़ी मेहनत के बाद कुछ ना कुछ मिलता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि पूरे पर्वतों में यहाँ का जो पूरा एरिया है इस जगह पे शनि का पर्वत सबसे ज्यादा उठा हुआ है। ऐसा व्यक्ति वैरागी होता है, ऐसा व्यक्ति अपने काम में समर्पित होता है, लेकिन कभी भी ऐसा व्यक्ति धन कमाने की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं वो इनके अपने घर वालों को नहीं मिलता, कोई ना कोई बाहर वाला व्यक्ति इसके पैसे लेके जाता है, या तो छल करके लेके जाएगा या फिर ये खुद किसी को उधार देंगे तो इनको रिटर्न नहीं मिलेगा।